liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and... Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि आपको मिले रेगुलर वीडियो अपडेट्स और पोस्ट्स। अब देखेंगे स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम अर्थ। जो स्पेस मिशंस है अर्थ से दूर, अभी हमने अब तक देखा था अर्थ में जो जो स्पेस मिशंस होते हैं, अभी देखेंगे अवे फ्रॉम द अर्थ। As we have seen above, artificial satellites are being used for making our life more and more enriched. हमने अब तक क्या देखा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के वजह से हमारी लाइफ क्या हो गई है, बहुत आसान हो गई, बहुत एनरिच हो गई, अमीर बन गए। एनरिच मतलब रिच हो गए, एनरिच क्योंकि हम इसे मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, वेदर का पता लगा सकते हैं, यहाँ से वहां घूम सकते हैं एरोप्लेन में, ये भी सैटेलाइट की मदद करते हैं, जीपीएस वगैरह हम यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा किसका कमाल है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट का कमाल है। However, in the previous standard, we have learnt about how the telescope aboard artificial satellites are used to gather information about various objects in the universe. तो हमने पिछले स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था कि टेलीस्कोप के इस्तेमाल से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में उनको इंस्टॉल किया जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया जाता है, आर यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में अर्थ एक ही प्लेनेट है, बहुत सारे प्लेनेट है, एस्टेरॉइड्स है, मीटियोर्स है, कॉमेट्स है और गैलेक्सीज है, हाँ, और बहुत सारे अलग अलग सोलर सिस्टम भी है। सो अर्थ एक ही प्लेनेट नहीं है। तो ये अलग अलग चीजों को, यूनिवर्स में जो कुछ है उसको स्टडी करने के लिए ये टेलीस्कोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो सैटेलाइट में होते हैं। सिमिलरली सम स्पेस मिशंस आर यूज्ड टू गेन फर्दर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। तो थोड़े जो स्पेस मिशंस होते हैं ये क्यों किए जाते हैं? टू गेन फर्दर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, हमारे जो ब्रह्मांड है उसकी जानकारी जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस मिशन स्पेस क्राफ्ट आर सेंट टू द नियर बाय ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम टू ऑब्जर्व देम मोर क्लोजली। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है? जो हमारे नजदीकी जो ऑब्जेक्ट है उनको स्टडी करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए कि ये ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, या फिर ये भी देख रहे हैं कि अर्थ छोड़ के दूसरे प्लेनेट में ये है क्या, लाइफ है क्या, वो देख रहे हैं, या तो फिर वाटर है क्या, वो भी देख रहे, स्टडी कर रहे, फाइंड आउट करने के लिए। न्यू इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मिशन। तो ये मिशन से नए नए इंफॉर्मेशन इंसान को मिलते जा रहे हैं। एंड इट इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो इस वजह से हमारा जो ब्रह्मांड है कैसे अस्तित्व में आया, हमारा सोलर सिस्टम कैसे अस्तित्व में आया, इससे हमको पता चलते जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते। फॉर सच मिशंस द स्पेसक्राफ्ट मस्ट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रेवल इनटू द आउटर स्पेस। ये मिशन में ये स्पेसक्राफ्ट को कहां भेजा जाता है? अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करके आउटर स्पेस में इसको भेजना पड़ता है। टू अचीव दिस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का क्या होता है कि एक वेलोसिटी होता है, एस्केप उसको कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो जो हम जो स्पेसक्राफ्ट जो भेजने वाले हैं उसकी वेलोसिटी कितनी होना चाहिए? अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए, तो ही वो अर्थ को छोड़ के ज्यादा बाहर निकल सकता है। एज वी हैव लर्न इन द चैप्टर ऑन ग्रेविटी। देखो अभी जैसे तो जो रस्सी खींचते हैं ना, रस्सी इधर से थोड़े लोग, इधर से थोड़े लोग खींचते रहते हैं, हाँ, समझो एक ग्रुप का साइड है, एक ग्रुप का जो ये है वेलोसिटी है उनका जो एस्केप वेलोसिटी समझो 100 है, समझो कितना है, 100 है। तो उनको बाहर जाने के लिए, उनको खींचने के लिए कितना चाहिए? 100 से ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? 100 से ज्यादा चाहिए, तो उनको खींच सकते हैं। वैसे ही अगर कोई भी हम स्पेसक्राफ्ट अर्थ से भेज रहे हैं तो वो जो स्पेसक्राफ्ट का जो वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी निकलने के लिए, वो अर्थ से ज्यादा होना चाहिए, तो ही वो क्या कर सकता है, अर्थ को छोड़ के जा सकता है। नहीं तो अगर ज्यादा नहीं होगा तो नहीं जा सकता, वो इधर ही रहेगा क्योंकि अर्थ का एस्केप वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। ये हमने पहले चैप्टर में भी देखा है। अभी आगे बताया एस्केप वेलोसिटी ऑन अ प्लेनेट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। तो ये फॉलोइंग फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर स्क्वायर रूट 2gm। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यम क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट है। ये क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट है। तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ का कितना है, 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना है, 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज हमको अर्थ से बाहर भेजना है तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 11.18 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए साजिद, कितना होना चाहिए, 11.8 11.18 से ज्यादा होना चाहिए। क्या 11.18 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो स्पेसक्राफ्ट क्या हो सकता है, अर्थ को छोड़ के बाहर जा सकता है। 10 If a spacecraft is to escape the Earth's gravitational force to travel to the outer space, it must have minimum velocity of 11.2 km per second. तो ये 11.18 को क्या किया, approximately किया है, तो ये 11.2 किया है, तो इसका क्या होना चाहिए, कम से कम 11.2 km per second इसका स्पीड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, तो ये अर्थ को छोड़ के स्पेस में जा सकता है, वरना नहीं जा सकता। आगे बताया डू यू नो, क्या बताया, देखो द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अर्थ इज द मून। तो हमारे जो पृथ्वी के सबसे नजदीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कौन है, मून है। लाइट टेक्स 1 सेकेंड टू रीच फ्रॉम मून टू द अर्थ। तो जो रोशनी आती है सूरज से, रोशनी याद रखो, सूरज से रोशनी नहीं आती, पहली बात। सूरज नहीं, चांद से रोशनी नहीं आती। चांद क्या करता है, रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। सूरज की जो रोशनी चांद पे पड़ती है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। तो वो जो रिफ्लेक्शन आता है, आने के लिए कितना लगता है, 1 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में आ जाता है। कहां से, मून से लेके अर्थ को 1 सेकंड में आ जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी होता है। स्पीड ऑफ लाइट कितना, 1 सेकंड है। इट मींस दैट इफ वी ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इट विल टेक 1 सेकंड टू रीच द मून। समझो हमारे में एक ताकत आ गई, मैजिकल पावर आ गई, और हमारा भी स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गया हमारा भी स्पीड जाने का, ट्रैवल करने का। थोड़े लोग सूरज पर भी जाते हैं क्या, वैसे हमारा स्पीड ऑफ लाइट, समझो स्पीड ऑफ लाइट हमारा जो स्पीड लाइट के बराबर, इसके बराबर हो गया, लाइट के बराबर हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो हमको कितने सेकंड लगेंगे मून पर जाने के लिए, 1 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 1 सेकंड। सूरज की रोशनी आने के लिए कितना देर लगता है मालूम है, तकरीबन 8 मिनट लगता है, अप्रोक्सीमेटली 7.56 ऐसा कुछ तो है। तो तकरीबन 8 मिनट लगता है, तकरीबन कितना, 8 मिनट। तो सूरज से लेकर, और स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है, तो 8 मिनट के बाद में रोशनी आती है। मतलब एक रोशनी अगर सूरज से निकली हो तो वो पृथ्वी पर, अर्थ पर पहुंचने के लिए इसको कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट। तो समझो हमारे पास पावर है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं, तो हमको सूरज तक पहुंचने कितना लगेगा, फिर 8 मिनट। कोई जा सकता है सूरज पे, नहीं जा सकता। हाँ, तो देखो हाउएवर सिंस स्पेसक्राफ्ट ट्रेवल्स एट मच स्मॉलर स्पीड, लेकिन स्पेसक्राफ्ट का स्पीड कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, नहीं होता, इससे भी कम होता है, बहुत कम होता है। तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रीच द मून। तो स्पेसक्राफ्ट क्या लेता है, बहुत ज्यादा वक्त लेता है। और आगे बताया है इंफॉर्मेशन, द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय अ स्पेसक्राफ्ट टू रीच द मून सो फार इज 8 hours and 36 minutes। तो जो अब तक जो स्पेसक्राफ्ट को जो कम से कम वक्त लगा है मून को पर पहुंचने के लिए, वो क्या है, कम से कम वक्त 8 घंटे 36 मिनट। कितना है, 8 घंटे 36 मिनट। अब देखेंगे मून मिशन, मून पर क्या क्या मिशंस हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, चांद पर क्या क्या मिशंस अभी तक किए हैं। सिंस द मून इज द क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू अस, द फर्स्ट स्पेस मिशन टू ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम वेयर द मिशन टू द मून। तो सबसे पहले जो स्पेस में जो भी मिशन हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, मून पर हुआ है, क्योंकि बहुत नजदीक है। वो क्या है, बहुत नजदीक है। सच मिशन हैव सो फार बीन एग्जीक्यूटेड बाय यूएसए, सोवियत यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान एंड इंडिया। तो अब तक चांद पर जाने वाले, मतलब चांद पर नहीं, चांद पर जो मिशन है स्टडी करने वाले, अब तक कौन कौन है, जो स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं उसमें यूएसए है, सोवियत यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज है, चाइना है, जापान है और इंडिया भी है। याद रखो इंडिया ने भी क्या किया है, स्पेसक्राफ्ट भेजा है मून को स्टडी करने के लिए। द स्पेसक्राफ्ट इन द ल्यूना सीरीज सेंट बाय द स्पेसक्राफ्ट इन द ल्यूना सीरीज सेंट बाय सोवियत यूनियन, रीच्ड नियर द मून, तो चांद तक नजदीक तक पहुंच गया है। लूना 2 लॉन्च्ड इन 1959 वाज फर्स्ट सच एयरक्राफ्ट। तो देखो इसको अंडरलाइन करके लो, लूना 2 लॉन्च्ड इन 1959 वाज फर्स्ट सच क्राफ्ट। तो ये सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट है जो 1959 में मून के बहुत करीब गया था 1959 में। आफ्टर दैट टिल 1975 15 spacecraft made chemical analysis of the moon and also measured its gravity, density and radiation. तो 15 spacecraft ने स्टडी किया है केमिकल एनालिसिस ऑफ द मून, उसके उधर जमीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, पत्थर वगैरह कैसे केमिकल एनालिसिस किया है। ऑल्सो मेजर इट्स ग्रेविटी, मून पर कितना ग्रेविटी है वो स्टडी किया है, डेंसिटी स्टडी किया है और उसके रेडिएशन वगैरह पूरा स्टडी किया है। लास्ट 4 क्राफ्ट इवन लैंडेड ऑन द मून। तो आखिर के जो ये 15 में जो आखिर के 4 जो स्पेसक्राफ्ट थे ये मून पे लैंड भी किए हैं। मून पे क्या हुआ, लैंड भी किए हैं एंड ब्रॉट द सैंपल ऑफ स्टोन्स ऑन द मून। और क्या किए, जो मून के पर जो पत्थर है उसके सैंपल भी लेके आए अपने साथ साथ फॉर एनालिसिस इन द लेबोरेटरी। ऑल दिस मशीन्स वेयर अनमैन्ड, और ये पूरे मशीन्स ये अनमैन्ड, अनमैन्ड का मतलब क्या, इस पे कोई इंसान नहीं था, ये पूरे क्या किए थे, रोबोट्स के जरिए वगैरह ऐसा भेजे गए थे, ऐसा इसमें कोई इंसान नहीं था। दिस मशीन्स वेर अनमैन्ड। अभी देखेंगे अमेरिका का रोल, अमेरिका ने क्या रोल निभाया मून्स मिशन में, ये हम देखेंगे। अमेरिका ऑल्सो एग्जीक्यूटेड मून मिशन फ्रॉम 1962 टू 1972। तो अमेरिका ने भी क्या किया, मून मिशन एग्जीक्यूट किया है। उसमें क्या है, द स्पेशलिटी ऑफ दिस मिशन वाज दैट सम ऑफ दिस वेर मैन्ड मिशन। मैन्ड मिशन मतलब ये मिशन में इंसानों को भी भेजा गया था, ये मिशन में क्या हुआ था, इंसानों को भी भेजा गया था। सम ऑफ द मैन्ड मिशन। इन जुलाई 1969 इसको अंडरलाइन करके लो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहले ह्यूमन बने जो चांद पे कदम रखा, पहला कदम रखा। और ये किसने भेजा था, अमेरिका ने भेजा था। ये मैन्ड मिशन है, मैन्ड मिशन। अब देखेंगे इंडिया का रोल, इंडिया ने क्या रोल निभाया। इन 2008 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड चंद्रयान-1 एंड प्लेस्ड इट इनटू एन ऑर्बिट अराउंड द मून। तो मून के ऑर्बिट में जो इंडिया ने कितना 2008 में क्या किया, सक्सेसफुली चंद्रयान करके सैटेलाइट को क्या किया, लॉन्च किया और मून के ऑर्बिट में क्या क्या इसको प्लेस किया अराउंड द मून, कभी 2008 में। इट सेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू अर्थ फॉर अबाउट अ ईयर। तो 1 साल तक इसने क्या किया, ये सैटेलाइट ने हमको बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी अर्थ को हमको भेज दी, किसके बारे में, मून के बारे में। The most important discovery made during the mission was the presence of water on the moon surface. तो ये मिशन में जो सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई, खोज, सबसे बड़ी खोज क्या निकली कि चांद के ऊपर भी क्या है, पानी है, चांद के ऊपर भी क्या है, पानी है। Presence of water on the moon surface. India was the first country to discover this. और ये भारत क्या था, पहला देश था जो ये डिस्कवर किया कि चांद पर भी पानी है। इसको भी अंडरलाइन करके लो, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर दिस। अभी देखेंगे मार्स मिशन, मंगल ग्रह पर क्या क्या मिशन हुए, मार्स मिशन हम देखेंगे। नेक्स्ट टू द मून द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज द मार्स। तो मून को अगर छोड़ेंगे उसके बाद में सबसे जो करीबी है अर्थ के जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वो कौन है, मार्स है। मेनी नेशन सेंट स्पेसक्राफ्ट टू द मार्स। तो बहुत सारे देशों ने मार्स को क्या किया, स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। मार्स मिशन इज डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट हाफ द मिशंस वेयर अनसक्सेसफुल। तो देखो मून मिशन तो बहुत सारे सक्सेसफुल थे, लेकिन जो मार्स मिशन था ये क्या है, बहुत डिफिकल्ट थे और इसमें के ज्यादातर आधे के आधे क्या हो गए, अनसक्सेसफुल रहे हैं, अनसक्सेसफुल हुए हैं। अब देखेंगे इंडियाज रोल, मार्स मिशन में इंडिया का क्या रोल है, इन्होंने क्या किरदार निभाया है। देखो इसरोज क्या है, इसरोज परफॉर्मेंस इन दिस मिशन इज रिमार्केबल। तो इसरो का जो परफॉर्मेंस है इंडिया के, इसमें क्या है, मार्स के मिशन में बहुत रिमार्केबल है। एंड वी ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। तो हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते इसरो पर क्या होना चाहिए, हमको गर्व होना चाहिए, क्योंकि मार्स में जहां दूसरे देश क्या हो गए, असफल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए, लेकिन इंडिया क्या हुआ है, ज्यादातर क्या हुआ है, इसमें कामयाब हुआ है, रिमार्केबल सक्सेस लिया है। द स्पेसक्राफ्ट मंगलायन, तो जो स्पेसक्राफ्ट जो मार्स पे भेजा गया था उसका नाम क्या है, मंगलायन, मंगल के नाम से मंगलायन। मेड बाय इसरो यूजिंग मिनिमम एक्सपेंसेस, और इसमें कम से कम खर्च आया था। वॉज लॉन्च इन नवंबर 2013, मतलब आज से 5 साल पहले भेजा गया था, इन नवंबर 2013, अंडरलाइन करके लो इसको भी। एंड वॉज प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड द मार्स इन सितंबर 2014। इसको नोट डाउन करो, थोड़ा नोट देखो, एक कब लॉन्च किया गया था, नवंबर 2013, और मार्स के ऑर्बिट में कब ये किया, इसको सेट किया, सितंबर 2014। कितना वक्त लगा, तकरीबन 10-11 महीने लगे, है ना, तकरीबन 10-11 महीने लगे। तो 10-11 महीने लगे यहाँ से लॉन्च होने के बाद में, 11 महीने के बाद में जाके ये हुआ। तो देखो मार्स कितना दूर है, इतना महीने इसको लगे। और दूसरे भी प्रॉब्लम इसमें आए, सिर्फ यही नहीं दूरी है करके, क्या वो अनमैंड है, मार्स मैंड नहीं है, अनमैंड है, अनमैंड। तो इट ऑब्टेन्ड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्फेस ऑफ द मार्स एंड द एटमोस्फियर अराउंड इट। तो इसने क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजी हमको अबाउट द सर्फेस ऑफ द मार्स एंड द एटमोस्फियर, और उधर जो इर्द गिर्द उसका फिजा कैसा है, एटमोस्फियर कैसा है, इसका इंफॉर्मेशन इसने भेजा। आपको इंफॉर्मेशन दिया है, ये सभी इंडियन ओरिजिन के है, और इंडिया के देखो राकेश शर्मा, क्या है, राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस। तो पहले भारतीय कौन है जो स्पेस में ट्रेवल किया, जिसने, वो कौन है, राकेश शर्मा है। He went into space along with 2 Russian astronauts. तो ये स्पेस में किसके साथ गए थे, 2 रशियन एस्ट्रोनॉट के साथ गए थे, अंडर द जॉइंट इंडो यूएसएसआर स्पेस प्रोग्राम। तो ये जॉइंट प्रोग्राम था इंडिया और यूएसएसआर के बीच में, यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, अभी वो डिवाइड हो गया है। He stayed in space for 8 days. और ये स्पेस में कितने दिन रहे, 8 दिन, ये राकेश शर्मा है। फिर है कल्पना चावला। कल्पना चावला obtained her engineering in aeronautics degree from पंजाब। तो इन्होंने अपने एरोनॉटिक्स डिग्री कहाँ से ली है, पंजाब से ली है। एंड इन 1988 ऑब्टेन्ड हर डॉक्टरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। और इनको डॉक्टरेट कब मिला, 1988 में, और कौन सा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। शी वाज इन स्पेस फॉर 336 आवर्स। तो स्पेस में कितने दिन थे, 336 आवर्स ड्यूरिंग रिसर्च मिशन। वाइल रिटर्निंग टू अर्थ फ्रॉम स्पेस ऑन 1 फरवरी 2003, The Columbia spacecraft exploded and Kalpana perished. लेकिन जब वापस आ रहे थे रिसर्च से, तो 1 फरवरी 2003 में ये जो स्पेसक्राफ्ट क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, और ये क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई। कल्पना पेरिस्ट, पेरिस्ट का मतलब इनका डेथ हो गया, कल्पना चावला का। ये भी इंडियन ओरिजिन की है, इंडिया की है। फिर है सुनीता विलियम्स, ये अभी भी जिंदा है, सुनीता विलियम्स, ये बहुत बार अभी भी जाती है, नासा में काम करते हैं। तो सुनीता विलियम्स ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन स्पेस शटल डिस्कवरी इन 2006, अभी बीच में भी आया था, गए थे। तो 2006 में ये कहाँ गए थे, स्पेस शटल डिस्कवरी, स्पेस में गए थे। शी वर्क फॉर 29 आवर्स आउटसाइड द स्पेस स्टेशन। तो इन्होंने कितना 29 आवर्स काम किया है स्पेस स्टेशन में। शी क्रिएटेड अ रिकॉर्ड बाय स्टेइंग फॉर 192 डेज इन स्पेस। कितना, 192 डेज इन स्पेस, तकरीबन कितना, 6 महीने के ऊपर, 6 महीने के ऊपर ये स्पेस में रहे, खाना पीना सब उधर ही, 6 महीने तक। सुनीता विलियम्स, ये भी इंडियन ओरिजिन की है, अभी भी नासा में ये काम करते हैं, इधर अपना किरदार निभा रहे उधर नासा में। मिशंस टू अदर प्लेनेट, अभी तक हमने क्या देखा, मून पे देखा, मार्स पे देखा, अभी अदर प्लेनेट देखेंगे। मेनी मिशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड टू स्टडी अदर प्लेनेट्स आल्सो। तो अलग अलग प्लेनेट को स्टडी करने के लिए भी अलग अलग मिशंस अंडरटेक किए हैं। In some of these missions, the spacecraft orbited the planet. तो सब मिशन में क्या हुआ, वो जो spacecraft है वो planet के ऑर्बिट करता था, चक्कर लगाता था। Some landed on the planet, थोड़े planet पे लैंड भी कर चुके हैं, and some just passed near the planet. और थोड़े भी क्या है, planet के नजदीक से गुजरे हैं स्टडी करने के लिए, and observed. देखो नजदीक से गुजरे हैं, थोड़े planet क्या कर रहे हैं, वो planet के चक्कर लगा रहे हैं, और थोड़े planet वो थोड़े सारे ये जो spacecraft है वो planet पर उतरे भी है। तो 3 तरीके के अलग अलग ऑब्जर्वेशन किए। एडिशनली स्पेसक्राफ्ट हैव बीन सेंट टू ऑब्जर्व एस्टेरॉयड, तो एस्टेरॉयड को ऑब्जर्व करने के लिए भी स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है। कॉमेट्स को स्टडी करने के लिए भी भेजा गया है। एंड दे हैव सक्सेसफुली कलेक्टेड सम डस्ट एंड स्टोन्स फ्रॉम द एस्टेरॉयड एंड ब्रॉट देम बैक टू द, तो एस्टेरॉयड को भी स्टडी किया है, कॉमेट्स को भी स्टडी किया है। अभी आपको इमेज से समझ में आएगा एस्टेरॉयड किसको कहते हैं। देखो अर्थ के बाहर बहुत सारे ऐसे रॉक के टुकड़े होते हैं जो है ना अर्थ की कक्षा में नहीं तो बहुत दूर घूमते रहते हैं, और एक बार ऐसा भी होता है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर में कांटेक्ट में आ जाते हैं। इसके लिए वो जो कहते हैं ना शूटिंग स्टार, तारा गिर रहा है वगैरह, ये सच बोले तो क्या होता है, ये एस्टेरॉयड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर में एंटर करता है तो इसको क्या हो जाता है, आग लग जाती है। क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से इसको आग लग जाती है। आग लग जाने की वजह से हमको क्या लगता है कि तारा टूट रहा है, शूटिंग स्टार, लेकिन ये क्या होता है, तारा वगैरह नहीं होता, ये एस्टेरॉयड होता है। ये अर्थ के ऑर्बिट में आने की वजह से, ओजोन लेयर में आने की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, उसको आग लग जाती है, तो इसको भी स्टडी किया है। फिर होता है कॉमेट। कॉमेट क्या होता है, एक स्टार के जैसा होता है और इसके पीछे एक टेल होता है, धुएं के जैसे क्या होता है, एक टेल होता है। ये मैंने देखा है, ये है ना हमेशा नहीं दिखता, ये अलग अलग कॉमेट अलग अलग वक्त में आते हैं। शायद 2026 में एक आएगा कॉमेट, कौन सा तो है हेलीस कॉमेट कुछ तो उसको नाम कहते हैं, 2026 में कुछ तो आएगा, वो 75 इयर्स के बाद में कुछ तो दिखता है, एग्जैक्टली पता नहीं है, 2026 में वगैरह दिखेगा और 75 इयर्स के बाद में दिखता है। वो कॉमेट कैसा होता है, स्टार के जैसा होता है और उसके पीछे जैसे एक लॉन्ग टेल होता है, धुएं के जैसी, स्मोक के जैसा, और वो सूरज डूबने के बाद में दिखता है, जल्दी थोड़ी देर तक बाद में वो गायब हो जाता है, उसको कहते हैं कॉमेट। ये उसका इमेज है कॉमेट का। We are getting very useful information from all these missions. तो ये अलग-अलग missions के वजह से हमको क्या हो रहा है, अलग-अलग information मिलती है, clarifying our concept about the origin and evolution of the solar system. तो ये पूरा ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, ये धीरे-धीरे हमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है। जैसे बिग बैंग थ्योरी पता चला, फिर कॉमेट किसको कहते हैं, एस्टेरॉयड किसको कहते हैं, फिर अमावस्या कैसी होती है, पहले सब लोग आधुविश्वास वगैरह करते थे। तो हर बात इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है तो सब हमको पता चल रहा है। नहीं तो पहला होता था सूर्य ग्रहण हुआ तो अपशकुन होगा, ये होगा, बहुत सारे मानते थे। तो ये आहिस्ते आहिस्ते क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, ये पता चल रहा है कि इसके पीछे रीजन क्या है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के वजह से। इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, तो इंडिया का क्या रोल है स्पेस टेक्नोलॉजी में, ये हम देखेंगे। India also has made remarkable progress in the science and technology of launch vehicles. तो इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है, किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ लॉन्च व्हीकल। वेरियस टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स हैव बीन डेवलप्ड टू पुट सैटेलाइट हैविंग वेट अप टू 2500 kg इनटू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। तो अलग अलग टाइप के लॉन्च व्हीकल्स भारत ने बनाए हैं टू पुट सैटेलाइट हैविंग वेट अप टू 2500 किलो, तो 2500 किलो तक के जो सैटेलाइट है उनको ऑर्बिट में पुट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, व्हीकल्स डेवलप किए हैं। 2 इंपॉर्टेंट लॉन्चेस, तो इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हम देखेंगे, एक है पीएसएलवी और दूसरा है जीएसएलवी। ये लॉन्चर्स है, पीएसएलवी एक है और जीएसएलवी है। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फीट्स अचीव्ड बाय इंडिया इन दिस फील्ड हैव अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो देखो इंडिया ने जो कुछ अचीव किया है ये क्या है, ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, किसके, नेशन के लिए, हमारे देश के लिए भी और सोशल डेवलपमेंट के लिए। इनसैट एंड जीसैट सैटेलाइट सीरीज इज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो देखो टेलीकम्युनिकेशन में जो सैटेलाइट जो यूज होते हैं वो कौन से है, इनसैट और जीसैट। इससे हमको क्या है, अलग अलग टीवी के चैनल्स वगैरह भी दिखाई देते हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होता है, टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल के नेटवर्क वगैरह होते हैं, एंड मीटियोरोलॉजिकल सर्विसेज, इसको अंडरलाइन करके लो। इनसैट एंड जीसैट सैटेलाइट सीरीज इज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मीटियोरोलॉजिकल सर्विसेज। तो इसमें इनसैट और जीसैट सैटेलाइट सीरीज क्या होता है, वर्क करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन एंड इंटरनेट सर्विसेज ऑल ओवर द नेशन हैज बीन पॉसिबल टू ड्यू टू दिस सैटेलाइट्स ओनली। तो ये सैटेलाइट के वजह से ही हम आज घर में बैठकर टेलीविजन देख सकते हैं। जो दिल्ली में रिले हो रहा है हम यहाँ मिरज में बैठ के, सांगली में बैठ के, महाराष्ट्र में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के देख सकते हैं। टेलीफोन बात कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विसेज यूज कर सकते हैं ऑल ओवर द नेशन। क्यों? ये सैटेलाइट्स के वजह से ही। एड्यूसेट सैटेलाइट इन दिस सीरीज इज यूज्ड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसको भी अंडरलाइन करके लो, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कौन सा सैटेलाइट इस्तेमाल किया जाता है? एड्यूसेट। एड्यूसेट एक सैटेलाइट है, ये फील्ड ऑफ एजुकेशन में इस्तेमाल किया जाता है ये सीरीज को। हो रहा है देखो, IRNSS satellite series is working for monitoring and management of natural resources and disaster management। Disaster management मतलब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ये पूरा मैनेज करने के लिए कौन सा सैटेलाइट इस्तेमाल किया जाता है? IRNSS satellite series। ये सब नोट डाउन करना चाहिए, ये सवाल आ सकता है इसका। IRNSS satellite, ये पूरा इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में नहीं है, सिर्फ इंडिया के बारे में। IRNSS satellite to exactly locate position of any place on the Earth's surface in terms of its precise latitude and longitude, the IRNSS satellite series has been established। तो देखो IRNSS satellite ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? To locate position of any place on the Earth's surface in terms of its precise altitude and longitude। मतलब किसी का बराबर पोजिशन लोकेट करना है तो IRNSS satellite ये क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसका लैटिट्यूड भी पता चल जाता है, लॉन्गिट्यूड भी क्या होता है पता चल जाता है। ये IRNSS सैटेलाइट इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखो, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। विक्रम साराभाई इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इसको भी अंडरलाइन करके लो, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो फादर कहे जाते हैं, जो जिन्होंने इसको लाया इंडिया में, जिन्होंने इसको डेवलप किया और बहुत बड़ा किरदार निभाया, वो कौन है? विक्रम साराभाई। तो हिज एफर्ट्स लेड टू फाउंडेशन ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL एट अहमदाबाद। तो इन्होंने क्या किया? लेड द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL एट अहमदाबाद। इन 1962 इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो 1962 में भारत सरकार ने क्या किया? स्थापना की, किसकी? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च अंडर हिज चेयरमैनशिप। और किसके वो चेयरमैन कौन थे उसके? विक्रम साराभाई थे। एंड फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड एट थुम्बा इन 1963। तो थुम्बा में 1963 में फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, मतलब जिधर से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, ये पहला एस्टैब्लिश किया गया था कभी 1963 में। द लॉन्चिंग ऑफ इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट। तो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा है जो लॉन्च किया गया था? ये आर्यभट्टा इनटू द स्पेस। इसको भी अंडरलाइन करके लो, इंडिया का जो सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया उसको कहते हैं आर्यभट्टा। और ये आर्यभट्टा कौन थे? ये भी बहुत बड़े क्या थे? हाँ, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने जीरो का इन्वेंट किया था। हाँ, तो उनके नाम से रखा गया था सैटेलाइट का नाम, स्पेस में भेजा गया था। वाज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स। और ये एफर्ट्स किसके थे? विक्रम साराभाई के थे। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाया किसके एस्टेब्लिशमेंट में? इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाया है। अभी देखेंगे स्पेस डेब्रिज एंड इट्स मैनेजमेंट। डेब्रिज का मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा, वेस्ट होता है ना, वेस्ट, उसको कहते हैं डेब्रिज। तो स्पेस डेब्रिज एंड इट्स मैनेजमेंट। इन एडिशन टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट Some other objects are also revolving around the Earth। तो देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे और चीजें भी रिवॉल्व कर रहे हैं। नॉन फंक्शनल सैटेलाइट, जो सैटेलाइट अभी फंक्शनिंग होना बंद हो गए, वो भी सैटेलाइट अभी भी रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो वापस तो नहीं है, अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ द लॉन्चर डिटैच्ड। जब एक लॉन्चर डिटैच होता है तो क्या होता है? अलग अलग उसके पार्ट्स भी डिटैच होते हैं, तो वो भी अभी भी एक एक बार क्या होता है? समंदर में चलते एक एक क्या होते हैं? स्पेस में जाते हैं, वहां रिलीज होता है, तो वहां घूम रहे हैं। एंड डेब्रिज जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ सैटेलाइट विद अदर सैटेलाइट। ऐसा भी होता है कि एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट को जाके टक्कर खाया, कोलिजन हो गया, कोलिजन होने की वजह से उनका फंक्शनिंग बंद हो गया, वो वेस्ट हो गया, लेकिन वो भी अभी भी कहाँ है? वो इर्द गिर्द घूम रहे उधर का स्पेस में। और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, और दूसरे भी ऑब्जेक्ट वगैरह हो सकते हैं। तो ये पूरा क्या है? वेस्ट है। ये पूरा क्या है? वेस्ट है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेशन मेड इन 2016, तो एक अंदाज के हिसाब से 2016 में देयर आर अबाउट 2 करोड़ पीसेज ऑफ लेंथ मोर देन 1 सेंटीमीटर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो 2 करोड़ पीसेज है जिसका 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ये अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, इतना कचरा है घूम रहा है, सैटेलाइट के पीसेस वगैरह है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और दिस इज नथिंग बट द डेब्रीज इन स्पेस। तो ये कुछ नहीं है लेकिन क्या एक टाइप का वेस्ट है जो स्पेस में घूम रहा है। दिस डेब्रीज कैन बी हार्मफुल टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और ये डेब्रीज क्या है सैटेलाइट के लिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए हार्मफुल है। क्यों? समझो एक सैटेलाइट वर्क कर रहा है तो ये सैटेलाइट उसको जाके क्या कर सकता है, डैश वगैरह कर सकता है, तो उसका भी फंक्शनिंग क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, तो ये हार्मफुल है। इट कैन कोलाइड विद दिस सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट एंड डैमेज देम, तो ये क्या कर सकते हैं, दूसरे सैटेलाइट को कोलाइड कर सकते हैं और अलग स्पेसक्राफ्ट को भी कोलाइड कर सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं। दिस डेब्रीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो दिन ब दिन क्या हो रही है, डेब्रीज क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। Soon it will be difficult to launch new spacecraft. समझो पूरे आसमान में भी कचरा पूरा भर गया, डेब्रिस हो गया, वेस्ट पहुंच गया, तो दूसरे सैटेलाइट लॉन्च करना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। Therefore it is very essential to manage the debris. तो ये बहुत जरूरी है कि डेब्रिस को कैसा मैनेज करें। इसका एक सोल्यूशन क्या है, जो अमेरिका ने जो स्पेस शटल ये किया है वो क्या है, जाता है लॉन्च करता है और वापस आ जाता है, ये हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी अमेरिका यूज कर रहा है, अमेरिका के पास है। सम स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग डन विद दिस इन व्यू, तो थोड़े इस पर स्टडीज हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये नजर में रखे। होप दैट सून वी विल हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, तो आशा करते हैं, होप मतलब हम आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकलेगा। एक सोल्यूशन तो हो गया, स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल करो, एक निकला। एंड द फ्यूचर सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट विल नॉट बी इन डेंजर एनीमोर, तो आगे के जो सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट वगैरह जो वर्किंग कर रहे हैं वो डेंजर में नहीं होंगे, ये हम आशा कर सकते हैं। और इसका सोल्यूशन के ऊपर एक रास्ता चल रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज सोच रहे हैं।